नमस्कार, डोगरी खबरें सुनता स्वागत है। मैं अमालू शर्मा ते सबने शबले खास खास खबर। कश्मीर वादी च पिछले 24 घंटे दौरान सुरक्षा बलें कन्ने बख बख टाकरें च मारे गए 7 आतंकवादी, 7 पुलिसकर्मी जख्मी। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह होरें उधमपुर डोडा लोकसभा हल्के लिए ते जुगल किशोर शर्मा होरें जम्मू पुंछ लोकसभा हल्के लिए भरे नामजदगी दे कागज पत्र। ते विश्व जल दिवस उपर जागरूकता समारोहें दा आयोजन, जल स्रोतरें दे संरक्षण ते सांभ संभाल उपर दिता गया जोर। घाटी के बारामूला, बांडीपोरा ते शोपियां जिले च पिछले 24 घंटे शां चला करदे आतंकवाद रोधी अभियान च उन्ने तोड़ी 7 आतंकवादी मारे गए। टाकरे दौरान एक अधिकारी सने 7 सुरक्षाकर्मी ते अर्धसैनिक बलें दे किश जवान जख्मी होए। रक्षा सूत्रे मुताबक सुरक्षा बलें दी सांझी टीम आसिया चलाए जा करदे अभियान दौरान छिड़े दे टाकरे च बांडीपोरा च मारे गए दऊं आतंकवादियों चा एक लश्करे तैयबा दा कमांडर ते पाकिस्तान दा बसनीक हा। उत्थे के बारामूला च मारा गया एक आतंकवादी भी पाकिस्तानी हा। इस आतंकी का ताल्लुक जैश ए मुहम्मद संगठन कन्ने है। सरकारी सूत्र मुताबक मारे गए होरने आतंकवादियों की शनाख्त की जा करती है। तुआई के दिल्ली पुलिस के स्पेशल सैल ने जैश ए मुहम्मद आतंकी संगठन के एक आतंकवादी की गिरफ्तार किया है। दिल्ली के लाल किला इलाके थमां गिरफ्तार किए गए आतंकवादी की पंछान सज्जाद खान के तौर पर की गई है। दसिया गया है जे ओ पुलवामा हमले के मुख्य साजिशकर्ता मुदस्सर अहमद खान का सहयोगी है। सज्जाद जम्मू कश्मीर का बसनीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें बार बार सशस्त्र बलें दी बेइज्जती करने उपर विपक्ष दी निंदा कीती। अपने एक ट्वीट संदेश च प्रधानमंत्री होरें देशवासियों की अपील कीती है जे ओ विपक्ष दे नेताएं थमां उंदे बयानें दे संबंधा च सवाल पुट्टन। हैशटैग जनता माफ नहीं करेगी दा हवाला दिंदे होए प्रधानमंत्री होरें कांग्रेस दे विदेश मामले दे प्रभारी सैम पित्रोदा होरें गी निशाना बनाया। रिपोर्ट मुताबक श्री पित्रोदा होरें आख्या हा जे मुंबई आतंकी हमले परैंत भारत हवाई हमला करी सकदा हा, पर हमला इस मुद्दे दा कोई हल नहीं है। अब आज का ये बयान श्री सैम पित्रोदा का ये दिखलाता है कि उनका मानना यह है कि ये गलत किया हमने। ये तो दुनिया के किसी देश ने नहीं कहा, और किसी ने अगर कहा ये तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस ने भी नहीं कहा, कंट्रीज ने नहीं कहा, केवल ये पाकिस्तान ने कहा। और उस लाइन को सपोर्ट करने वाले इस देश में आ जाएं और इस देश में एक राजनीतिक दल के आइडियोलॉग हों तो इस देश का दुर्भाग्य है। कल नशहरा च शहीद होए दे फौजी जवान यशपाल हुंदा अज उंदे जद्दी ग्रां मानतलाई च पूरे सैनिक सम्मान कन्ने खीरी संस्कार कर दिता गया। एदे शा पहले उंदे पार्थिव शरीर दे ग्रां पुज्जने पर मती गिनतरी च लोकें उन्हें की श्रद्धांजलि दित्ती। यशपाल हुंदा खीरी संस्कार बिनी संगम च कीता गया जिथे उन्हें की सेना आसिया सलामी दित्ती गई। सांबा जिले के दरूई ग्रां च अज शहीद राकेश कुमार शर्मा का 10वां शहीद दिवस मनाया गया। इस मौके पर शहीद के परिवार आले दे अलावा सेना के अधिकारी, आम नागरिक ते प्रशासन के अधिकारी भी उत्थे मौजूद हे। शौर्य चक्र कन्ने सम्मानित शहीद राकेश कुमार शर्मा 2009 बरे च अज दे के ध्याड़े आतंकवादियों कन्ने होए दे इक टाकरे च शहीद होई गए हे।
खबरें दाए बुलेटिन यहां के जारी रोक पर पहले एक लोकी जय ब्रेक। बहन जी, ये पानी क्यों फेंक दिया? अरे नल में ताजा पानी आ रहा था उसे भरने के लिए। लेकिन बहन जी, इस पानी का इस्तेमाल आप दूसरे कामों के लिए भी तो कर सकती थी। हाँ, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। पानी को बर्बाद करने से पहले पानी की अहमियत के बारे में जरूर समझें। जल आज बचाओगे तो कल पाओगे। पिताजी, माँ, मैं वोट करने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। देख रही हो, जब भी वोट देने जाता है तो मेरा आशीर्वाद लेकर जाता है। इसके लिए तो हम आज भी जिंदा हैं। जिंदा तो हम वोटर्स लिस्ट में भी हैं। आत्मा शांत नहीं है मेरी। कोई हमारे नाम का गलत इस्तेमाल कर ले तो वोटर्स लिस्ट में से हमारा नाम कटवाना भी तो इसी की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी निभाएं। मरणोपरांत परिजनों का वोटर आईडी फॉर्म 7 जमा करके निरस्त कराएं। फॉर्म 7 nvsp.in पर ऑनलाइन भी आसानी से जमा कर सकते हैं। खबरें जी खबारी परतिए तुंदा स्वागत है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह होरें अज कठुआ च भाजपा के उम्मीदवार के रूप च कठुआ उधमपुर डोडा लोकसभा सीट लई अपनी उम्मीदवारी के कागज पत्र दाखिल कराए। इस मौके केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ते होर दूए मुकामी नेता भी मौजूद रहे हैं। जथमां पहले डॉ जितेंद्र सिंह होरें अपने समर्थकें कन्ने इक जलूस की शक्ल च रिटर्निंग अधिकारी के दफ्तर पुजे। बाद च लोकें की संबोधित करते हुए डॉ सिंह होरें कांग्रेस पार्टी उपर इल्जाम लाया जे ओह मुल्खां दे हितें दे खिलाफ काम करा करदी है। जम्मू च अज जम्मू पुंछ लोकसभा हल्के लिए बीजेपी के उम्मीदवार से मौजूदा सांसद जुगल किशोर शर्मा होरें अपनी उम्मीदवारी के कागज पत्र भरे। एदे थमां पहले वह अपने समर्थकें ते पार्टी कारकुनें दे इक जलूस कन्ने रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पुजे। बाद च मीडिया ने गलबात करते हुए उन्हें दावा बनिया जे भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाएं च भी शानदार जित हासिल करोग। श्री शर्मा होरें की रलाइए जम्मू पुंछ लोकसभा हल्के लिए 4 उम्मीदवारें अपने कागज पत्र दाखिल कराई चुके दे न। पूरे देश भर में नरेंद्र भाई मोदी जी की जय जयकार हो रही है और जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने इन 5 सालों में काम किए हैं, विकास की गति को तेज गति दी है, देश का मान सम्मान बढ़ाया है और वो जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए आज हर एक के दिल में नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति बहुत ही स्नेह और प्रेम है। लोग चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी एक बार फिर देश का नेतृत्व करें, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों से देश सुरक्षित है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और आख्या है लोकसभा चुनाव दौरान रियासत नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफा कांग्रेस की पूरा सहयोग दिता जाएगा। जम्मू च अज नैशनल कांफ्रेंस ते कांग्रेस की तरफा लवाई गई एक सांझी प्रेस कांफ्रेंस च बोलते हुए डॉक्टर अब्दुल्ला होरें आख्या जे दवे पार्टियां गठबंधन के रूप च चुनाव लड़ा करदियां। मीडिया के संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता रमन पल्ला होरें आख्या जे लोक भारतीय जनता पार्टी के झूठे दावे का सच हुण समझ चुके दे न। मैं अपनी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरा आश्वासन आज देना चाहता हूं
कि ये जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की लड़ाई है ये हम डट के लास्ट मैन लास्ट बुलेट हम लड़ेंगे। ग्राउंड लेवल पे जाके हम वर्कर्स को मोटिवेट करेंगे, दूर से दूर के इलाके हम साथ मिलकर कवर करेंगे और पूरी कोशिश रहेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दोनों सीटें जम्मू पुंछ की और उधमपुर डोडा कठुआ की हम जीत के कांग्रेस पार्टी की। अल्लाह आप लोग सलामत रखे और इस देश को बचाए, यही मेरी दुआ है और हम सब की दुआ यही है। प्रदेश कांग्रेस नेता रमन पल्ला और भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लाया है जो उन्हें पिछले पंजे बरे दौरान खोखले वादे करिए लोगों की गुमराह किया है। श्री पल्ला और जम्मू पुंछ लोकसभा हल्के लिए पार्टी उम्मीदवार विक्रमादित्य हुंदे समर्थन च विजयपुर सांबा च आयोजित चुनावी रैली की संबोधित करा करते हैं। उन्हें आख्या जे भाजपा की हुकूमत च बेरोजगारी च रिकॉर्ड तोड़ वाधा होया ते बन्ने पर बसे दे लोग बीजेपी दी गलत नीतियां कारण तनाव भरोची जिंदगी जीने लई मजबूर न। रीजनल आउटरीच ब्यूरो जम्मू की तरफा मतदाताएं की जागरूक बनाने लिए जम्मू च एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कला केन्द्र च स्वीप प्रोग्राम तहत लोए गए इस कार्यक्रम का उद्घाटन जम्मू के डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा होरें किया। अपने भाषण च उन्हें आख्या जे हर मतदाता का फर्ज है जे ओ वोट पाने दे अपने अधिकार का इस्तेमाल करे। स्वीप के रियासती नोडल अधिकारी रियास अहमद भट्ट और इस मौके पर चुनावी प्रक्रिया के बख बख पहलुओं की जानकारी दी। उन्हें वीवीपैट के महत्व बारे भी लोगों की अवगत करवाया। अग्नि की पूजा की जाती है, रोशनी को माना जाता है क्योंकि रोशनी प्रतीक उन्नति का सभी संस्कृतियों सभी धर्मों के अंदर जो हमेशा ऊपर की ओर उठती है, जो कि प्रतीक है एनलाइटनमेंट। शायद एक मैटर का एक ऐसा हिस्सा है जो मैं चाहूंगा कि इनका इनके पास एक और शक्ति है, वो है आउटरीच की और मीडिया इनके मतलब इनका एक सहयोगी है, इनका इम्पोर्टेंट इनका प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है, उसको इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्टेट में हमारी जम्मू प्रोविंस में हमारे ज़िलों में इस पोलिंग के पहले लोगों को जानकारी दें। तो आपके जो फैमिली के हैं फ्रेंड्स हैं जो आपके आसपास पड़ोस में रहते हैं उन लोगों से भी आप इस एग्जीबिशन के बारे में बताएं और हमारी मीडिया को भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोगेट करें सो दैट आर मैसेज द मैसेज ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रीचेज टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। मल्टी मीडिया के थ्रू और फोटोग्राफ्स के थ्रू और ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू इन लोगों ने कोशिश की है हर उस पहलू को दर्शाने में जिसमें कि वोटर की अवेकनिंग हो, उसको अवेयरनेस हो, उसको जानकारी मिले और अपने जो हक है उसका मतदान का उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाए। रीजनल आउटरीच ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आज कला केंद्र जम्मू में एक मल्टीमीडिया एग्जीबिशन आयोजित किया गया है जिसका कि उद्देश्य ये है कि हम जो वोटर्स हैं यहाँ पे जम्मू के और जो जम्मू डिवीजन के जो वोटर्स हैं उन तक हम एक मैसेज पहुँचाएँ कि कितना ज़रूरी है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वोट करने का उसका एक्सरसाइज करें। यहाँ पर जितने भी नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको भी हम लोगों ने उनकी भी उनकी उनके बारे में भी पब्लिसाइज कर रहे हैं। डोडा की जिला इंतजामिया ने लोगों का आह्वान किया है जो वह आने लोकसभा चुनाव च बड़ी चढ़िया हिस्सा लैन। लोगों की इस संबंधा च जागरूक बनाने लिए प्रशासन आसिया नेका कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नेक समारोह की संबोधित करते हुए जिला विकास कमिश्नर डॉक्टर सागर दत्तात्रेय होरें लोगों की अपील की है जो लोकतंत्र के इस त्यौहार की कामयाब बनान। उन्हें दसिया जो डोडा चुनावी हल्के के तकरीबन 2.25 लाख वोटरों 450 मतदान केन्द्र स्थापित किए जा करते हैं जिंदे पर मतदाताएं की सहूलत सब्बे लोड़ की सुविधा उपलब्ध होंगे। डीसी होरें दसिया जे 80,000 शा मते वोटरें की वीवीपैट ते ईवीएम संबंधी सिखलाई भी दी गई है। अज विश्व जल दिवस है। पूरी दुनिया च मनाए जाने वाले इस ध्याड़े का मकसद लोगों की पानी के संरक्षण ते जल स्रोतों की सांभ संभाल बारे जागरूक बनाना है। अज दुनिया च सारे कोला बड़ी चुनौती बदे तापमान कारण ग्लेशियरें का पिघलना है।
तुआई के कटरा च भी विश्व जल दिवस उपर म्यूनसीपैलिटी ते एक गैर सरकारी संस्था की तरफा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कटरा च भूमिका नदी की साफ सफाई करिए लोगों की पानी के स्रोतरें के महत्व बारे संदेश दिता गया। रामबन च महकमा राईबाई आसिया विभाग परिसर च किसान मेले ते नमैश दा आयोजन किया गया। इहदा आयोजन केंद्र आसिया आयोजित स्कीम कृषि टैक्नोलॉजी प्रबंधन एजेंसी तहत किया गया है। जिला विकास कमिश्नर शौकत एजाज भट्ट मेले च मुख तौर पर मौजूद है। मतरगिंदरी च करसाने मेले च हिस्सा लेता ते अपने अपने खेतरें दी फसल नमायश लई रखी। करसाने की जागरूक बनाने लई बागबानी मधुमक्खी पालन रेशम मच्छी पालन पशु ते भिड पालन विभाग सने होरने विभागें आसिया भी स्टॉल लाए गए हे। मगरा डीसी होरें बेहतरीन फसल पैदा करने आले करसाने की इनाम भी बंडे। इहदे कन्ने के खबरदार बुलेटिन समाप्त होआ। नमस्कार।